वालेकुम दोस्तों मेरा नाम हम्माद है एंड आई एम ए फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम एंड इंजीनियरिंग आज का जो टॉपिक डिस्कशन का टॉपिक हम लेकर आए हैं वो हम बताएंगे कि आगे एनर्जी क्या चीज़ होती है इसकी हिस्ट्री क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है और ये किस किन साहब ने ईजाद किया फिर इसके आगे हम डिफ़ाइन करेंगे कि जो जेम्स प्रिस्कॉर्ड जूल्स थे वो कौन साहब थे उन्होंने अपना मॉडल कैसा बनाया था और उसके बाद जो इसकी यूनिट है एनर्जी की वो भी जूल सी कहलाती है उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर फिजिस के नाम पर ही है तो इस वीडियो के अंदर हम सब चीज़ें डिफाइन करेंगे तो इन आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका नॉलेज मिलेगा तो आगे चलने से पहले हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली सारी वीडियोस तो आपको मिलती रहें तो चलें हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं हिस्ट्री के हवाले से मैं आपको सबसे पहले बता हूं कि ये इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो भी एंसेंट ग्रीक्स के ही दौर से होती है उन्होंने इसका नाम रखा हुआ था एनर्जिया। अच्छा अब एनर्जिया जो है इसका मतलब होता है उनकी लैंग्वेज में एक्टिविटी या कोई ऑपरेशन और ये फोर्थ सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट के अरेस्ट ने भी इसका की बातों में भी इसका जिक्र मौजूद है इसके बाद सेवनटीन सेंचुरी में गोटरफीड साहब थे इन्होंने इसी चीज़ को आगे डेवलप किया और इसका नाम उन्होंने रखा विज वीज़ा विज वीवा जो है ये इसका मतलब होता है लिविंग फोर्स उसके बाद अगला नाम जो आता है हिस्ट्री के अंदर वो 1807 के अंदर आता है थॉमस यंग साहब का इन्होंने विज वीज़ा वीवा जो है उसकी बजाय इसका नाम एनर्जी ही रखा उनको ये ज़्यादा सूट करता था उसके बाद जो हमारे पास हिस्ट्री के नाम आता है वह है 1843 के अंदर आता है जेम्स प्रिस्काउट जूल्स का ये बेसिकली एक इंग्लिश फिजिस्ट थे और इन्होंने जो है नेचर ऑफ हीट को, को काफ़ी अब, डीपली ऑब्ज़र्व किया और साथ में इसका रिलेशन जो है मैकेनिकल वर्क के साथ निकाला तो उसके बाद से जो है जो जेम्स प्रिस्काउट जूल्स का मॉडल था वो काफ़ी मकबूल हो गया और आज तक इसी जूल्स के हिसाब से ही पूरी दुनिया में जो एनर्जी है वो डिफ़ाइन की जाती है अब जो इन्होंने डिफाइन किया वो उसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ एनर्जी की जैसे कि नज़र आ रहा है कि क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज़ ट्रांसफर्ड टू ए बॉडी और टू बी ए फिज़िकल सिस्टम रिकोगनाइजेबल इन अ परफॉर्मेंस ऑफ वर्क एंड इन दी फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इसको थोड़ा सा और आसान में अगर करें तो है कि द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क अब इसके मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं जैसे कि काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है इलास्टिक एनर्जी है केमिकल एनर्जी है रेडियंट एनर्जी है और इसी तरीके से और भी एनर्जी के फॉर्म्स हैं और जोल साहब ने ही जो अपनी एक बिग स्टेटमेंट दी थी उसमें ही उन्होंने ये बयान किया था कि एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड और नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड बट इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्राम वन टू अनदर फॉर्म ऑफ़ इनर्जी यानि कि एनर्जी जो है वो ना तो प्रोड्यूस की जा सकती है और ना ही ख़त्म की जा सकती है बल्कि इसको एक अनर्जी से एक फॉर्म ऑफ अनर्जी से दूसरी फार्म ऑफ अनर्जी में हम तब्दील कर सकते हैं अब इस अनर्जी को जो जोल साहब ने डिफाइन किया था वो एक बेसिकली एक्सपेरिमेंट से किया था और इस किस्म के एक्सपेरिमेंट इससे पहले भी हो रहे थे लेकिन जो सबसे ज़्यादा एकूरेट तजर्बा जो किया वो जूल साहब ने किया था अब जैसे ये पिक्चर आपको सामने नज़र आ रही है अब इसको मैं पहले डिफ़ाइन करता हूँ कि इसमें जो ऑपरेटर्स वग़ैरह लगाए हुए हैं वो क्या है सबसे पहले तो अंदर एक ये सिलेंड्रिकल कैलोरी मीटर लगा हुआ है और बेसिकली ये कॉपर का बना होता है और इसके इर्द गिर्द जो है जूल साहब ने जो है ना इंसुलेशन लगा दी यानी कि बाहर की जो हीट है वो अंदर नहीं आएगी और अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी इसको ऊपर से इन्होंने कवर कर दिया और उस कवर करने के बाद थर्मामीटर लगा दिया अच्छा इसके दरमियान इन्होंने फ्लूड डाला जिस यानी कि इन्होंने पानी डाला बेसिकली और उसके बाद अंदर अगर आप अंदर देखें तो ये मुख्तलफ़ स्पिंडल लगे एक स्पिंडल लगा हुआ है और स्पिंडल के अंदर एजिटेटर की प्लेट्स लगी हुई हैं और ये जो प्लेट्स हैं इनके दरमियान का फ़ासला भी बराबर है अब ये बाहर से जो निकल के आता है एक शाफ्ट के जरिए बाहर निकलता है और आके जाके ड्रम में कनेक्ट होता है और ये जो ड्रम है ड्रम के ऊपर एक हैंडल लगा हुआ है ड्रम के ऊपर एक स्ट्रिंग लगी हुई है इनके रस्सी बंधी हुई है जो कि पुलिस से होती हुई वेट की तरफ जा रही है और इसमें अब आप नीचे देखेंगे तो अब इसको इन्होंने जो किया था वो वन के वेट नीचे लगाया था और इसको जो ऊपर उठाना है वो वन मीटर की हाइट तक उठाना है अब इन्होंने यूँ किया सिलसिला कि ऊपर से जो हैंडल है उसको जब उन्होंने मतलब क्लॉकवाइज़ घुमाना शुरू किया तो ये जो वेट है ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हुआ यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि जी एनर्जी हमने इसको प्रोवाइड की तो ऊपर से घुमाना शुरू किया और ये वन के का वेट है ये वन मीटर हाइट तक ऊपर की तरफ किया फिर हमने हैंडल को फ्री छोड़ दिया यानी कि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी थी अब वो अपने ग्रेविटी के जरिए वो फिर वन मीटर नीचे आ गया अब ये तो वन मीटर हमने उठाया और गिराया इसको हम कहते हैं वन साइकिल लेकिन जो इसी स्ट्रिंग के साथ बंधे हुए ड्रम और शाफ्ट और अंदर जो एजिटेटर लगे हुए हैं उनके साथ क्या हुआ कि उसने एजिटेटर को भी घुमाया और पानी जो था वो पहले दाएं तरफ घूमा और उसके बाद भी बाएं तरफ घूमा तो यहाँ पे जब वो एजिटेटर से ने उस पानी को घुमाया तो वहाँ पर जो है वो हीट प्रोड्यूस हुई और वो हीट हमने मेजर कर ली थर्मोमीटर में तो हमने अब इसको पूरा कर ओवरऑल देखें कि एक के वेट है एक मीटर की हाइट तक हमने काइनेटिक एनर्जी दे उठाया और फिर उसको फ्री छोड़ दिया तो जब के जी वेट नीचे की तरफ आया तो उसने पानी को घुमाया और एक वन डिग्री इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो इस एक्सपेरिमेंट से जोल साहब ने जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया वो ये था कि ए जोल इज़ ए अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन थ्रू वन मीटर और उसके बाद 1843 एटीन थ्री अगस्त के अंदर इनकी जो एक, एक स्टेटमेंट आई थी वो यूँ आई थी कि वन एवर मैकेनिकल फोर्स इज एक्सपेंडिड एंड एग्जैक्ट इक्वल ऑफ हीट इज़ ऑलवेज ऑप्टेंड अब अगर इस स्टेटमेंट को हम अगर मैथमेटिकली करें तो ये बन जाएगा एफ डी इज़िकल टू एम ए डी यानी कि न्यूटन का जो आपको फार्मूला है वो यही है कि अब अब इसमें जो ए है वो एक्सेलेशन है और यहाँ पर जो एक्सेलेशन है बेसिकली वो आ, ग्रेविटी है तो ये बन जाएगा एम जी डी यानी कि मास ग्रेविटी और डिस्टेंस जो भी उठ रहा है तो अब यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर जो मास है वो हो गया वन के जी ग्रेविटी हो गई नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस हो गया वन मीटर अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है नाइन पॉइंट एट के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको कहते हैं वन जूल्स नाइन पॉइंट एट जूल्स कहते हैं इसको अब चूँकि ये चीज़ पूरी डिज़ाइन ही जूल्स ने की थी तो यूनिट जो है वो भी जूल्स ही है तो इसका जो फार्मूला बना वो हो गया डब्ल्यू इजिकल टू जे क्यू यानी कि डब्ल्यू है वर्क क्यों है अमाउंट ऑफ एनर्जी और जे इसका कांस्टेंट है तो उम्मीद है कि आपको ये बेसिक्स जो एनर्जी की डेफिनेशन और इसका पूरा तरीक़ाकार आपको समझ आया होगा तो जाते जाते हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे बहुत शुक्रिया